हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं हमारे दूसरे होटल में, वो कर लिया है चेक इन हमने रूम में और होटल का नाम है फोर सीजन। ये होटल एक बहुत ही प्यारा होटल है। हमने ये होटल मेक माई ट्रिप से यानी कि MMT से बुक किया था 2700 इंडियन रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, पर फिर भी इस रेट में जो ये होटल हमें मिली है इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये होटल में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी शाही परिवार से हैं और हम किसी महल में रह रहे हैं। ये होटल किसी महल से कम नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए आपको दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है, जो कि मैंने अभी किया है चेक इन। तो चलिए लेट्स चेक आउट। सो गाइस, रूम में एंटर करने के साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है ये एक छोटा सा ओवन और उसी के ऊपर इसे कहते हैं मिनी बार। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेते हो ड्रिंक्स या फिर या नट्स तो इसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर अच्छी चीज़ ये है कि हमारे रूम में एक छोटा सा किचन भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर आपको ये ओवन दिया जा रहा है, इसमें आप कुछ भी गर्म कर सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडेक्स भी मिल रहा है। ये इसके बटन्स हैं चार, यहाँ इंडेक्स बर्नर है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ बना के खा भी सकते हो। और ये है इस रूम का कंप्लीमेंट्री थिंग्स, यानी कि आपको दो बोतल पानी के मिलते हैं, साथ ही साथ आपको मिलता है टी मेकर और ये है कुछ एक चाय और कॉफ़ी बनाने की चीज़ें। उसी के बगल में अगर आप देखोगे तो आपको एक बेसिन दिया जाता है और उसके ऊपर एक छोटी सी कबोट है जिसके अंदर पड़े हैं कुछ एक कटलेरीज। तो इन कटलेरीज में आपको दो कप्स दिए जाते हैं, चार प्लेट्स दी जाती है, साथ ही साथ दो तीन बाउल के साथ एक बड़ा बाउल भी दिया जाता है अगर आप यहाँ पे खाना बना के खाना चाहो तो। और इसी के बगल में आप देखोगे तो ये एक वॉच जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, एंटिक वॉच लग रही है, और उसी के अंदर आपको दिखेगा ये है चिमनी। तो यहाँ पे पूरी तैयारी है आपको आपकी रसोई बना के देने की। ये देखिए ये पूरा रसोई है यानी कि किचन है इस रूम का, जो कि एंटर करने के साथ ही है। इसी के राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको जो है वॉशरूम दिया जाता है, जहाँ पे आपके लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा एक मिरर यहाँ पर अवेलेबल है। शैम्पू सॉप्स एंड सैनिटरी बैग्स के साथ साथ कॉटन बड्स भी प्रोवाइड कर जाते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको मिलता है 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर। और ये है हमारा छोटा सा बाथ टब, आप चाहो तो इसमें स्टैंडिंग शावर भी ले सकते हो और या फिर आप यहाँ पे बाथ टब भी ले सकते हो। तो चलिए अब बिना देरी के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। इस रूम में जाने से पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपके लिए कुछ और एक सामान भी है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉकर दिया हुआ है, आप अपने वैल्यूएबल थिंग्स इसमें रख सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्लीपर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्लीपर्स के साथ में आपको ड्रॉर दी जा रही है, जिस ड्रॉर में आपको हेयर ड्रायर दिया जाता है। यहाँ पर आप नहा धो के अपने बाल सुखाना चाहो तो यहाँ पर सुखा सकते हो। नीचे वाले ड्रॉर में अगर आप देखो तो ये एम्प्टी है, उसके नीचे एक ड्रॉर और है वो भी एम्प्टी है। पर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हैंगर दिए जाते हैं, आप नहा धो के अपने कपड़े यहाँ पे सुखा सकते हो। साथ ही साथ आपको ये दो, इसे क्या कहते हैं एक्चुअल में तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसे बाथरूम कोट कहता हूँ। तो अगर किसी को इसका नाम सही पता है तो काइंडली मैसेज या कमेंट करके मुझे बताएं। ये दो बाथरूम कोट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद में हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में। आप लोगों को अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो
क्योंकि ये जो रूम आप देख रहे हो, अभी रूम मेरा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डाइनिंग टेबल यहाँ पे छोटी सी आपको मिल जाती है, जहाँ पे दो लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और खाना खाते हुए ही बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। बाहर का नज़ारा तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ का बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि हमने 7th फ्लोर पर ये रूम लिया है, तो इसका नज़ारा तो सच में बहुत ही लाजवाब है। उसके बगल में आपको यहाँ पर टीवी मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने मन पसंदीदा चैनल। पर आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडियन चैनल बहुत ही कम आते हैं, तो ये आशा मत करिएगा कि आपको यहाँ पे इंडियन चैनल, इंडियन जो सीरियल्स है वो आपको देखने मिलेंगे। पर अगर आप कुछ एक इंडियन चैनल देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और वो देखने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे आपको सोफ़ा भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही लाजवाब सोफ़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है इसका कुशन, आप इस पर बैठ भी सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आराम भी कर सकते हो। और ये एक सेंटर टेबल दी गई है, जहाँ पर आपको ये जो है वाइप्स वगैरह दिए गए हैं चेहरा वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, इस लाइट का क्या कहना है, पूरे रूम में सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसी लाइट की वजह से आ रही है। आपको बता दूं कि ये एक छोटा सा डाइनिंग हॉल कह सकते हो इसे, इसका एसी का वेंट यहाँ है, यानी कि इस रूम में कुल टोटल 2 ACs हैं, एक तो सेंट्रल एसी और एक जो आप देखोगे वो अंदर रूम में एसी लगा हुआ है। तो अब हम जाने वाले हैं हमारे बेडरूम में, यानी कि होटल के रूम में। ये है हमारा मेन बेडरूम। यहाँ पे एंटर करने के साथ साथ आपको सबसे पहले यहाँ में आप देखोगे तो आपको लाइट के स्विचेस दिए जाते हैं, और उसी के बगल में आप देखोगे तो एक बहुत ही एंटिक सा आपको यहाँ पे ये जो है शोपीस टाइप में कुछ लगाया हुआ है। ये पेंटिंग नहीं, आपको बता देता हूँ कि ये शोपीस टाइप में कुछ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। उसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्टडी टेबल दी जाती है, अगर आपको कुछ लिखना है या फिर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करना है तो वो यहाँ पर दी जाती है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लैंप दी जाती है, नाइट लैंप, और उसी के बगल में आपको एक टेलीफोन दिया जाता है, जिस टेलीफोन से आप रिसेप्शन पे बात कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ एक ड्रॉर्स है, इस ड्रॉर में आप अपने सामान रख सकते हो। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक वीडियो में बताया है कि आप अपने सामान जो है इन ड्रॉर में ना रखें, क्योंकि हो सकता है चेकआउट के वक्त आप वो सामान यहीं पर भूल जाओ। ये देखिए दोनों साइड में ड्रॉर है, और सबसे मेन अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बेड। जी हाँ, ये देखिए, ये जो बेड है ये बहुत ही लाजवाब है, इसका कुशन जो है इस बेड का, इसकी जो सॉफ्टनेस है ये बताते ही बनती है सच में। यहाँ पे आराम करके बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये रूम मैंने सिर्फ 2700 रुपये में विदाउट ब्रेकफास्ट मेक माई ट्रिप से ये ख़रीदा था। और इस रूम की खासियत ये है कि ये रूम स्वीट रूम है, जूनियर स्वीट रूम है, जिसमें घुसते ही हमें पहले ये डाइनिंग रूम मिलता है और उसके बाद में हमें हमारा ये बेडरूम मिलता है। तो दोस्तों इस डाइनिंग रूम और बेडरूम के कुल अगर आप स्क्वायर फुट अगर आप जानना चाहोगे तो ये लगभग 650 स्क्वायर फीट का ये हमारा टोटल रूम है, जिसे देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है सच में। और अब आपको मैं यहाँ की सबसे ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने 7वें तल्ले पे मेरा रूम अलॉट करवाया है, और वो है इसकी बैल्कोनी। जी हाँ, इसकी बैल्कोनी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पटाया का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। एक नज़र डालिए दोस्तों इस नज़ारे पे, इस नज़ारे से और कुछ भी अच्छा पटाया में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये होटल बेस्ट है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। अगर आप लोग की डील अगर विदिन 3000 रुपीज़ में इस होटल से हो जाती है तो मेरे हिसाब से ये होटल आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ऊंचे होटल है, यानी कि मैं 7वें तल्ले पे हूँ, ये 7वें तल्ले तक की होटल है। बहुत ही ऊंची तो नहीं बोल सकता हूँ, पर हाँ ये काफ़ी ऊँची होटल है, जहाँ से आपको पटाया का काफ़ी अच्छा लोकेशन, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख जाएगा, और इसे देख के खूबसूरती पटाया की बनती है सच में। यहाँ पर रहने का बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को, मुझे भी आनंद आ रहा है यहाँ पे। यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे रहने के बाद में ऐसे लग रहा है कि सच में हम किसी राजा ख़ानदान से हैं, और ये हमारा बेडरूम जो है ये किसी राजा ख़ानदान के बेडरूम से कम नहीं है। तो चलिए अब बैल्कोनी को बंद करते हैं और एक बार फिर से रूम में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऑल टोटल यही है हमारा रूम, इसकी तो
कहना क्या है, बेड इतना शानदार है, साथ ही साथ आप देख सकते हो ये लिविंग रूम कितना अच्छा है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, सारी सुख सुविधा आपको दी जाती है। और साथ ही साथ आप जब एंटर करोगे, एंटर करने के साथ ही आपको यहाँ पे किचन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये रूम आपको 3000 के अंदर मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस रूम से अच्छी डील कुछ और होगी हमारी। सो गाइज, मैंने आप लोगों को दिखाया है आज मेरा रूम। ये होटल है फोर सीजन। इस फोर सीजन का तो मैं क्या कहूँ, सच में ये फोर सीजन ही है। यानी कि आप किसी भी सीजन में आओ और इस होटल में अगर आप रुकते हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा। सच में आज तक मैं जितने होटल में रुका हूँ ये होटल मुझे सबसे बेस्ट लगी है, क्योंकि यहाँ के एक तो रेट कम है, प्लस आपको जो ये रूम प्रोवाइड कर रहे हैं ये रूम बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। इससे पहले मैं सन सिटी में रुका था, इस रूम में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने दो दिन मेरे वेस्ट कर दिए सन सिटी में रुक करके, पर ये सच में लाजवाब। इसके लिए मेरे शब्द नहीं बता पा रहा हूँ कि ये कैसा होटल है। ये बहुत ही अच्छा होटल है। अगर आप 3000 रुपये के अंदर अंदर इस होटल को अगर आप बुक कर लेते हो तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं होगी। आज ही अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। मेक माई ट्रिप गो आई बी वो booking.com अगोड़ा, जहाँ से भी आप चाहो, जहाँ पे आपको बेस्ट रेट आपको मिल जाए वहाँ से आप इस होटल को बुक कर लो। और सच में यहाँ पे आके रहोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस होटल में स्विमिंग पूल भी है, इस होटल में आपको जिम की फैसिलिटीज़ भी है, यहाँ के रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी हैं, जब बात करने का उनका तरीका, उनका लिहाजा बहुत ही अच्छा है। पर आपको बता देता हूँ कि इस होटल में 2000 भाट आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा जब आप चेक इन करोगे, और जब आप चेकआउट करोगे तब वो आएंगे और रूम को संभालेंगे। अगर रूम में कुछ भी टूट फूट ना हुआ या कुछ भी नुकसान ना हुआ तो वो 2000 आपको रिटर्न कर देंगे। उसके लिए आपको एक रिसिप्ट भी दी जाती है, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको रिसिप्ट देनी है ताकि वो लोग आपको 2000 वापस कर दें। तो चलिए, ये था मेरे इस रूम का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।